हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, पढ़ाई ठीक चल रही है? नहीं चल रही है तो आगे हम स्टार्ट करते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इस कर्व पे आते हैं। आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपीज दिए, अब उससे क्या करना है? आपको मार्केट में जाना है और शॉपिंग करनी है। क्या क्या लाना है? एप्पल लाने हैं और ऑरेंज लेके आने हैं। ठीक है, तो आप कैसे शॉपिंग करोगे? एप्पल क्या है आपके? कॉस्टली है। और ऑरेंज क्या है आपके? सस्ते हैं। क्लियर? अब आप इन पैसों से क्या कर सकते हो? 1 केजी एप्पल ले सकते हो और 10 केजी ऑरेंज ले सकते हो। अगर सारे पैसे आप खर्च कर दो तो क्या क्या ले सकते हो आप? 10 केजी ऑरेंज और 1 केजी एप्पल। क्लियर? अगर आपने ऑरेंज कम लेने हैं तो आप क्या करोगे? 2 केजी एप्पल ले लोगे और 7 केजी ऑरेंज परचेज कर लोगे। क्लियर? ये क्या हो गया? आपके पास ए कॉम्बिनेशन। या तो आप, अगर आपको ऑरेंज ज्यादा पसंद है तो आप ए कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हो। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद है तो आप बी को चूज कर सकते हो। क्लियर? इंडिफरेंस कर्व से क्या पता लगेगा? आप डेफिनेशन देखते हैं। ए सिंगल इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अलग अलग कॉम्बिनेशन देगा आपको कौन? इंडिफरेंस कर्व किसके कॉम्बिनेशन देगा? एक्स के और वाई के। यहाँ आप एप्पल और ऑरेंज भी लिख सकते हो। एप्पल और ऑरेंज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन बताएगा आपको? इंडिफरेंस कर्व जो आपको क्या देंगे? इक्वल सेटिस्फेक्शन। किसको? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? मेरे को या आपको? इसका मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व आपको 3-4 कॉम्बिनेशन दे देगा। जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद है आप वो चूज कर सकते हो। अगर आपको एप्पल ज्यादा पसंद है तो आप एप्पल परचेज कर सकते हो, एप्पल वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो। अगर ऑरेंज ज्यादा पसंद है तो आप ऑरेंज वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हो। टेबल देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन किसका? एप्पल का और ऑरेंज का। या तो आप क्या कर सकते हो? 10 एप्पल ले सकते हो और एक सॉरी 10 ऑरेंज ले सकते हो और एक एप्पल ले सकते हो। ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट कॉम्बिनेशन। या आपको ऑरेंज कम पसंद है तो क्या करोगे आप? ऑरेंज कम खरीदोगे और एप्पल क्या करोगे? ज्यादा लोगे। या आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन भी है, कौन सा? बी, जिसमें आप ऑरेंज कम ले सकते हो और एप्पल को ज्यादा परचेज कर सकते हो। तीसरा कॉम्बिनेशन, आपको ऑरेंज थोड़े कम पसंद है तो अब आप क्या करोगे? ऑरेंज थोड़े और कम कर सकते हो और एप्पल बढ़ा सकते हो। ठीक है, डी कॉम्बिनेशन, आपको दोनों बराबर ही पसंद है तो आप ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, जहां पर आप एप्पल भी 4 ले रहे हो और ऑरेंज भी 4 ले रहे हो। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करे। क्लियर हो गया? अब हम यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं इसको। यहां पर ले लो आप ऑरेंज और यहां पर ले लो आप एप्पल। क्लियर? इस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो? 10 एप्पल ले सकते हो, सॉरी 10 ऑरेंज ले सकते हो और एक एप्पल परचेज कर सकते हो। ये क्या हो गया? ए कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन में क्या हो गया? आपने ऑरेंज कम खरीदे
और एप्पल क्या किया, ज्यादा परचेज कर लिया। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है कि जिसमें आप ऑरेंज थोड़े से कम ले रहे हो और एप्पल को बढ़ा रहे हो, दिस इज योर थर्ड कॉम्बिनेशन। फोर्थ में क्या किया आपने, ऑरेंज को कम कर दिया और एप्पल को खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया। तो अगर हम इस लाइनों को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, आईसी कर्व। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ने क्या दिखाया आपको, अलग-अलग कॉम्बिनेशन को शो किया जहां पर सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम है। ठीक है, यहां हो सकता है कि आप यहां सेटिस्फाइड हो जाओ, हो सकता है यहां पर भी हो जाओ, हो सकता है यहां भी आपको पसंद आए, या हो सकता है यहां पर भी आपको फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिले। तो हो सकता है, क्योंकि देखो सब कंज्यूमर अलग अलग होते हैं, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होंगे, मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस अलग होंगे। तो हो सकता है मैं इस कॉम्बिनेशन को चूज करूं और आप इस कॉम्बिनेशन को चूज करो। कॉम्बिनेशन कौन देगा हमें, इंडिफरेंस कर्व। कौन दे रहा है इंडिफरेंस कर्व, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे रहा है जहां पर आप क्या होगे, सेटिस्फाइड होगे। क्लियर। आप छोटा सा टॉपिक है इंडिफरेंस मैप। मैप क्या होता है, जहां पर सारे इंडिफरेंस कर्व बनाए जाएं। ये है आपका फास्ट इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इससे जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा वो इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। कैसे मतलब, देखो इस लाइन से आप इतने एप्पल और इतने ऑरेंज परचेज कर सकते हो। जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर चला जाएगा तो अब ज्यादा एप्पल और ज्यादा ऑरेंज आप परचेज कर सकते हो। आईसी कर्व और ऊपर चला जाएगा तो आप और एप्पल और ऑरेंज परचेज कर सकते हो। आप ज्यादा परचेज क्यों कर रहे हो सकता है आपके पास पैसे क्या हो, पहले से ज्यादा हो जाएंगे तो आप ज्यादा ऊपर जाना चाहोगे। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जो आईसी कर्व के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को दिखाता है वो क्या है आपका, इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप के मैप में हम इंडिफरेंस के बहुत सारे कॉम्बिनेशन को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।